वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे असिमेट्रिकल डार्ट, वो भी असिमेट्रिकल रेडिएटिंग डार्ट। हमें इसे दोनों तरफ ट्रेस कर लेना होगा, हमारा पूरा एक फ्रंट बॉडीज बना लेना है। ये हमारा हाफ बॉडीज है, तो इसे हमें पूरे बॉडीज बनाने हैं। मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, ये हमारा जो बॉडीज है ये मिड आर्म होल बॉडीज है। ओके, ये डार्ट क्लोज है और ये आर्म होल पे डार्ट बनी हुई है। हमें यही वाला ट्रेस कर लेना है पूरा पूरा। ये देखो मैंने ये बना लिया है। ओके, अब क्या करना है, ये पूरा पूरा बॉडी से देख रहे हो, नेक लाइन है, ये आर्म होल है, ये वेस्ट है, ये शोल्डर है और ये साइड सीन्स है, राइट। अब क्या करना है, हमें स्लैश और स्प्रेड टेक्निक की हेल्प से रेडिएटिंग का डार्ट्स को ड्रॉ कर लेना है। अब जो इन दोनों डार्ट्स की हेल्प से हम रेडिएटिंग लाइंस बनाएंगे। करूंगी जो हमारी ये वाली जो लाइन है ना, जो ये वाला हमारा डार्ट है, ठीक है, ये वाला, इसको हमें यहां से जोड़ देना है, ठीक है। हमें ये देखो, ये वाली है ना डार्ट, इस डार्ट पॉइंट को और यहां से हमें कर देना है ऐसे स्लैश लाइन। ये एक डार्ट बन गई, मगर स्लैश लाइन बनी है। अब इसे कट करके ये क्लोज हो जाएगा, राइट। अब दूसरा वाला, अब ये वाली, इसको भी हम यहां से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। कैसे, ये देखो, ये लिया और ये भी जॉइंट, तो ये हो गई स्लैश लाइन वन और ये हो गई स्लैश लाइन टू, राइट। अब क्या कर लेंगे, सिंपल जैसे हम लोग पहले करते हैं, हमें ये वाली लाइन को कट, स्लैश लाइन को कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें इसे जो हमारी ये डार्ट है, जो हमारी पहले की डार्ट थी, जो हमारी एग्जिस्टिंग डार्ट है, हमें उसे क्लोज कर लेना है, तभी तो वाली डार्ट खुलेगी। फिर ये डार्ट जो हमारी खुल जाएगी, फिर हमें इसका सीम अलाउंस भी देना पड़ेगा। आपको सभी को पता रहता है कि सीम अलाउंस हाफ हाफ इंच का रहता है। देखो ये वाला हमारा बैक वाला है, राइट, ये वाला हमारा बैक वाला है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा फ्रंट हो गया, ठीक है, ये हमारा फ्रंट हो गया। अब बैक में क्या करना होता है कि ये जो शोल्डर टेप है, ये जो शोल्डर टेप है, ये तो नेक लाइन है, राइट, ये डार्ट है, नेक पे डार्ट होती है बैक में और वेस्ट पे भी होती है। हमें क्या करना होगा बताती हूँ, जो ये वाली जो हमारी नेक टिप है, यहां से हमें 2 इंचेस का ले लेना है, ठीक है। 2 इंचेस यहां से लोगे, यहां पे आएगा इधर से स्केल से, इधर से, ये देखो, ये इधर से जाएगा 2 इंचेस, ठीक है। 2 इंचेस यहां जहां पे भी आएगा मार्क कर लेना। मार्क करने के बाद अब ये वाला जो टू इंचेस वाला पॉइंट आएगा, ठीक है, वहां से हमें 1/4 इंच नीचे जाना है। जहां पे आपका 1/4 इंच आएगा, हमें वहां से ही लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, स्लैंट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। कर लेंगे, बैक का जो यहां से जो डिस्टेंस होगा वो भी हमारा 2 इंचेस होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट हमें रिमूव कर देना है, ये जितना भी पार्ट है ये हमारा ऊपर वाला सारा रिमूव होगा, और जो बचा हुआ पार्ट है वो होगा हमारा बैक वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला सेंटर बैक है इसी का ही। एक और बात,
एक और बार इसमें नेक लाइन बनाने के लिए क्या करना है, यहां से हमें 2 इंचेस लेना है, यहां से 2 इंचेस, और सेम वही यहां से हमें 2 इंचेस मार्क कर लेना है, यहां से 2 इंचेस, तो यहां से 2 इंचेस मार्क कर लिया। अब नेक लाइन को हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये और फिर ये हो गया कंप्लीट। ओके।